ऐसा कोई दिन नहीं जहां पे ट्रांसफर न्यूज मेरे पास आती नहीं, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल डे जहां पे मैं ये सब न्यूज आपके लिए यहां पे कन्वे नहीं करता या आपको नहीं बोलता। सो फिर से आ गया हूं तीन बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट ट्रांसफर न्यूज को लेके। सो गाइज, आज के शो में आपका स्वागत है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट जुआन फेरांडो मे बिकम द नेक्स्ट बेंगलुरु एफसी कोच, विच इज हिस्टोरिक इन इटसेल्फ बिकॉज ही वाज द वन हु बीटन बेंगलुरु एफसी इन द फाइनल। Then there is Saul Crespo's contract extension जो East Bengal ने offer किया है, and Saul Crespo has been one of the most important players for East Bengal in the recent times. And finally, Jitendra Singh को Chennai FC लाने की कोशिश कर रही है, which in itself is also a big, big task for Chennai FC as well. So guys, starting with Juan Fernando to Bengaluru FC, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा because it is in the very, very nascent stage as of right now. जो scenario है वो मैं थोड़ा बोल देता हूँ। जुआन फेरांडो करेंटली इज अ फ्री एजेंट। बेंगलुरु एफसी ने जेराड ज़ारागोसा के साथ जो एक लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे, करेंटली दैट आफ्टर दिस लॉस टू मोहन बगान 4-0, वो थोड़ा पानी में लग रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट अ न्यू गाय इन, सो दैट अ प्रूवन गाय इन, समवन हु इज वेरी प्रूवन इन द ISL एंड हु हैज अ वेरी डिस्टिंक्टिव प्लेइंग स्टाइल रादर देन कोई रिएक्टिव प्लेइंग स्टाइल। दे वांट अ प्रोएक्टिव प्लेइंग स्टाइल। प्रोएक्टिव प्लेइंग स्टाइल का मतलब एक कोच जिसके पास अपनी फिलोसॉफी हो, अपनी पासिंग फुटबॉल हो या जो भी अट्रैक्टिव हो, काउंटर रनिंग हो, बट एक टैक्टिक्स खुद का हो और जो प्रूवन हो ऐसे लेवल में। ऐसे कोच मार्केट में है थोड़े कम। अगर अल्बत्रो का बनते, अल्बत्रो का कुड हैव बीन, बट अल्बत्रो का जरूर बनना नहीं चाहते हैं, इसीलिए मार्केट में जाके नए कोच की खोज हो रही है। एंड हु इज दैट नेम? जुआन फेरांडो। जुआन फेरांडो फिट्स द बिल, एब्सोल्युटली। क्यों फिट्स द बिल, वो भी थोड़ा बोलना यहाँ पे जरूरी है। नंबर वन फॉर जुआन फेरांडो, He is a proven ISL coach. He has been a successful ISL coach. Mohan Bagan ki baat karo, FC Goa ki baat karo, he has played decent enough football for them. Playoffs mein leke gaye, champion banaya, AFC Cup mein bhi competition, AFC Champions League mein coaching karane ka experience hai. So all in all, he in himself is a very, very good coach. Number one. Now number two, unke paas ek slow positional passing football tactics ya game hai unke paas. That is something that the team is looking forward to as well. कि भाई हमें एक ऐसा टीम चाहिए जहाँ पे पास हमारे पास एक ऐसा कोच हो जिसका अपना footballing philosophy हो. That is something that the team is looking forward to as well. And Bengaluru FC will get a coach who has a very stubborn policy, who is very good with his positional football. And again, he is very rigid with his policy. So a proactive playing style after Westwood and Albatros का we will again see that in Bengaluru FC अगर ये deal होता है. And thirdly, उनका player development का जो experience है. He loves to work with young players and Bengaluru FC has literally the best academy in the country. So, ये भी एक बहुत बड़ा reason है कि भाई young players के लिए developing और एक nurturing coach भी आपको चाहिए। Juan Fernando can absolutely become that kind of a coach for Bengaluru FC as of right now. तो यही reasons है। So, guys, channel को subscribe करना मत भूलना, क्योंकि आज का show बोलो या बाकी सारे जितने भी show बोलो आप लोगों के लिए होता है। So, guys, channel को subscribe करना मत भूलना, and also if you can become, you can also become a member. साउथ क्रेस्पो के साथ बीएफसी का साथ लिंक है, बट अगेन ईस्ट बंगाल हैज जस्ट ऑफर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, सो वी विल हैव टू सी। आई थिंक वी नीड टू गिव ज़ारागोसा लिटिल टाइम एज़ ही हैज शोन अ अटैकिंग गेम। दिखाना तो मुझे भी लगता है चाहिए साइलेंट किलर भाई, बट बेंगलुरु एफसी मैनेजमेंट इज वेरी अनस्टेबल एंड वेरी अनफॉरगिविंग भाई। बाय द वे, मुझे याद है कि कोई ट्रॉफी लेस क्लब आउट हो गया था। Only Javi and Ryan should be retained and a whole foreign squad needs reinforcement. We are good in Indian squad. Fair enough. आंखें तरस गई है कि JFC में किसी Spanish coach को लाए ताकि position oriented pleasing football दिखने को मिले। थक गया हूँ long ball और ये English coaches से। भाई ये तो Tata Group को देखना पड़ेगा साहिल भाई, but Tata Group is not wanting something like this. So you have to talk and plead to Tata Group. दूसरा न्यूज है साउल क्रेस्पो का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। ये साइलेंट किलर भाई ये सच्ची बात बोल रहे कि बेंगलुरु एफसी हैज ऑफर्ड साउल क्रेस्पो चांस टू कम टू बेंगलुरु एफसी, बट ईस्ट बंगाल भी छोड़ने वाले टीम्स में से नहीं है। दे हैव आल्सो ऑफर्ड द ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू साउल क्रेस्पो की भाई आप फिर से रहो, यू हैव बीन सक्सेसफुल टाइम हियर, प्लीज स्टे हियर, नेक्स्ट साल वी विल आल्सो प्ले एफसी कप एज वेल, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड एज वेल। सो यही सच बात है, बट द ट्रूथ इज क्या डिसीजन वो लेंगे मुझे नहीं पता, और इसके ऊपर ज्यादा बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज इट्स जैसे पहला न्यूज था, इट्स आल्सो इन वेरी अर्ली स्टेजेस, ट्रांसफर विंडो भी शुरू नहीं हुआ है। बट विद साउल क्रेस्पो ईस्ट बंगाल कैन बिल्ड अ मिडफील्ड कोर हियर जो उनके पास पिछले कुछ सालों से नहीं था। सो मे बी दैट्स द रीजन व्हाई दे आर वांटिंग हिम, एक गोल स्कोरर, एक टेम्पो कंट्रोलर,
मिडफील्ड में एक एनफोर्सर, सारे ही रोल साउल क्रिस्पो अपने टीम के लिए प्ले करते हैं, सो इन दैट केस ईस्ट बंगाल विल वांट समवन लाइक अ साउल क्रिस्पो टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम, स्पेशली नए साल में जहां पे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं. यू वांट सम प्लेयर्स फ्रॉम द लास्ट ईयर टू प्ले इन द टीम बिकॉज इट गिव्स देम, इट गिव्स द टीम अ सर्टेन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड ऑल दोस थिंग्स एज वेल. सो ये भी हो सकता है, बट अगेन बेंगलुरु एफसी आर आल्सो इन द फाइट, बट एज ऑफ राइट नाउ साउल क्रिस्पो इज मोस्ट प्रोबेबली साइनिंग एन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन विद ईस्ट बंगाल. कल रोमेन का नॉर्थ ईस्ट के लास्ट गेम होगा. मोस्ट प्रोबेबली हु विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर बीएफसी, जावी और हुगो बुमु? नए कोच को पता होगा या भाई जिसको पता होगा. फॉर मी आई स्टिल थिंक कि भाई जावी कैन बिकम द ग्रेट ग्रेट एडिशन टू द टीम, और जो अपने टीम के लिए जो वो खेल रहे हैं आई होप ही कंटिन्यूज दैट फुटबॉल एज वेल. By the years, we have leaders like Partaloo, Dimas, Miku, but we are lacking that leadership mentality. You guys need to be very proactive in the foreigner market. मुझे बार-बार यही लगता है कि Bengaluru FC अपने Indian core के लिए मार नहीं खाती. Transfer window में ये लोग मार खाते हैं because of their not so good foreign additions. Jitendr Singh to Chennai, again इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. I will not take much time, but I will try to cover this point as detailed as possible. So, Jitendr Singh को जो लोग नहीं जानते, Jamshedpur के center back. कम सीडीएम प्लेयर है जितेंद्र सिंह, एंड जितेंद्र सिंह इज अ वेरी टैलेंटेड यंग प्लेयर. ही वाज पार्ट ऑफ द इंडिया वर्ल्ड कप प्लेइंग स्क्वाड ऑफ अंडर 17 वर्ल्ड कप एज वेल. ही स्टिल ओनली 22 इयर्स ओल्ड एंड ही इज फ्रॉम कोलकाता, ही इज अ बंगाल बॉय. एंड जितेंद्र सिंह के पास जो क्वालिटीज है और क्यों उनको खरीदने की कोशिश कर रही है, देखो भाई ये बंदा सीबी और सीडीएम दोनों पोजिशन खेल सकता है. ही इज अ टैलेंटेड यंग प्लेयर एंड चेन्नई एफसी आर लुकिंग टू बिल्ड अ कोर नेक्स्ट सीजन. बहुत सारे यंग प्लेयर्स को टीम में लाया जा रहा है, किया नसीरी जैसे यंग प्लेयर्स को, हमते जैसे यंग प्लेयर्स को, और बाकी भी बहुत सारे नाम है यहाँ पे, मैं कुछ नाम को भूल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली. बट अगेन बेंगलुरु एफसी जो काम 3 साल पहले किया था वही काम 3 साल बाद चेन्नई एफसी करने वाली है. दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ यंग इंडियन कोर, और विद अंडर ओएन कॉयल वी हैव सीन द इंडियन प्लेयर्स, यंग इंडियन प्लेयर्स शाइनिंग अ लॉट एज वेल. सो एक एक्सपीरियंस के साथ एक जो यंग प्लेयर का मिश्रण है वो एक करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. वी विल हैव टू सी. एंड एज पर Jitendra as well, Jitendra has only played for the Indian Arrows and the Indian team and uske baad Jamshedpur. So it will be his first big transfer in his career. So he will also be wanting that to happen. Aur sach baat bolu to main baar baar bolta hu, Chennai ke paas koi quality young talented center back nahi hai ya CDM nahi hai jo Indian CB va CDM hai. To ye to bhai dono kaam ek sath kar sakte, that's a bonus in itself. But again mujhe samajh mein aa raha hai, Chennai knows the market very well ki bhai Mumbai Mohan Bagan ke sath main top players ke liye most probably compete nahi karne wala hu. So what kind of players can I buy for my team? I can buy young players and can nurture them and can play them for my team. So ये जो एक नया approach है Chennai NFC का, will it work? Will it not work? I don't know. But यही plan है उनका. And again, जो लोग उनको नहीं जानते जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह is very very good with the ball. He was part of the under 17 team. मैं बार बार बोलता हूँ, उन team के सारे ही players के पास ball control तो ठीक ठाक ही था. जितेंद्र was also one of them and most probably he is a versatile player, so वो भी use होगा. And thirdly, he has a deadly long ball as well, so वो long ball खेल सकते हैं. Maybe Chennai will try to look at that as well, कि center back position में जो ball spread कर सके अपने CB position से, that can also become a big factor as well. And fourthly, he is a bit of precision क्योंकि CDM position भी खेल चुके हैं, so under pressure he can retain balls as well. So that's also the reason why Chennai FC are looking for जितेंद्र सिंह एज वेल. बट अगेन बहुत सारे बात करने को यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आई स्टिल डोंट नो कि ऐसा होगा कि नहीं. साउल टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन 2 इयर्स डील, यस अभिजीत भाई 2 ईयर का डील ही होगा अगर होता है. यू वॉज राइट, आई थिंक सना 5 ईयर डील विल बैकफायर अस. मुझे हर टाइम ही लगता है कि 5 ईयर डील नेवर वर्क्स, सो मेनी डेज. हाँ बिल्कुल साहिल भाई, अगेन थैंक यू भाई. 8K तो होने वाला है, होपफुली बहुत जल्दी हो भी जाएगा. एंड यस आई एम फाइन भाई, तुम कैसे हो? एरिक तेनहाग भी सैक हो जाएगा तो मजे आएंगे, पाक गया हूँ डिफेंस देख देख के. वेट करो भाई, वेट करो, यूरोपियन फुटबॉल में थोड़ा टाइम दो. दिस शोज जेएफसी इज नॉट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल. आई डोंट नो हाउ वेल दे डू इन द मार्केट. ए बिग ईयर फॉर जेएफसी एज वेल, दे नीड टू हायर अ न्यू कोच, बट आई स्टिल थिंक दे शुड स्टिक विद समवन लाइक द करंट कोच खालिद जमील, एंड आई थिंक इट विल शो गुड रिजल्ट फॉर देम एज वेल. So guys, until then it's goodbye from Armband. फिर मिलते हैं कल रात को. And until then it's goodbye from Armband. Tata, चैनल को सब्सक्राइब करना मत.